हमने निर्णय लिया है कि 1,00,000 रुपया 8,500 रुपया पर युवा को, जैसे उसने ग्रेजुएशन किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम हर युवा को ये सहायता 1,00,000 रुपए की एक साल में देंगे। जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री लाया, कोई किसी प्रकार की ड्यू डिलीजेंस नहीं, सिर्फ डिग्री माध्यम है उसका। तीसरा, हम बहनों को, गरीब बहनों को 8,500 रुपया महीना देंगे। केंद्र की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी ने ये न्याय के सिद्धांत, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इसमें सामाजिक न्याय में महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब महिलाओं की ताकत को, आर्थिक ताकत को, स्वावलंबता को बढ़ाने के लिए 1,00,000 रुपया 8,500 रुपया एग्जैक्ट उसमें आएगा तो ये हर महीने बहनों को मिलेंगे। 1,00,000 रुपया ग्रेजुएशन जैसे ही हमारे युवा ने किया उसको मिलेंगे। किसानों के हम फिर से सहायता करना चाहते हैं, समर्थन मूल्य के साथ उनकी के कर्ज में माफी होगी। हमारी नीति हमेशा उद्योगपतियों को जो 16,00,000 करोड़ रुपए की सहायता नरेंद्र मोदी सरकार ने की और वो पीएम केयर फंड में वापस लिया या इस बांड योजना में उनसे वापस लिया, इस करप्शन को करने की कोशिश की, कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस सहायता करेगी कि किसानों के ऋण माफी करे उद्योगपतियों के बजाय। देश में हर गरीब व्यक्ति के पास देश के संसाधन पहुंचने चाहिए, इस योजना के अंतर्गत हमने, इस व्यवस्था के अंतर्गत हमने ये भावना व्यक्त की। आज राहुल गांधी जी बंबई में बहुत बड़े ऐलान करने वाले हैं, जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,700 किलोमीटर की हुई उसके अंतर्गत जो बातें उन्होंने की और भारत का आने वाले 5 साल का 8 साल का 20 साल का विजन क्या होगा कांग्रेस पार्टी का, उसको पूरे को दृष्टि पत्र के रूप में हम बंबई में आज शाम को 6 बजे राहुल गांधी जी और इंडिया के तमाम नेता एकत्रित होकर अपनी बात कहेंगे।